वेलकम बैक टू रोशनारास वर्ल्ड। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक जेनुइन एंड लेजिट वेबसाइट जहां पर आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ा कर, जी हाँ, वर्क फ्रॉम होम करके। तो वेबसाइट का जो नाम है वो है सुपर प्रॉफ। तो यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पे अप्लाई रजिस्टर किस तरीके से करना है, देन कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, कितने सब्जेक्ट्स अवेलेबल है पढ़ाने के लिए, एंड आपको यहाँ पे सैलरी या इनकम कितनी होने वाली है, एंड आपको यहाँ पे पेमेंट कैसे मिलेगी। सारी चीजें एंड टू एंड डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले गाइस, चैनल पे जो भी नए हैं वो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ठीक है। चलिए जल्दी से वेबसाइट पे चलते हैं। तो गाइस, हम आ गए हैं सुपर प्रॉफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब दे सकते हैं यहाँ पे बेसिकली आपको किसी भी टाइप के सब्जेक्ट जो है आप वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे मतलब कोई सब्जेक्ट लिखे एज अ स्टूडेंट, एंड यहाँ पे आप नॉर्मल एरिया डालेंगे तो आप टीचर्स साइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट सीख सकते हैं। आप यहाँ पे एज एन हॉबी क्लासेस भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है गिटार, फोटोग्राफी, कुकिंग एंड पेंटिंग, टेनिस, मतलब बहुत सारी चीजें सब यहाँ पे आप देखिए। आप यहाँ पे एकेडमिक्स पढ़ा सकते हैं, लैंग्वेजेस है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स की चीजें हैं, आर्ट्स है, मतलब आप ऑलमोस्ट सारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप जो है लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। प्लस एक्सपीरियंस एज सच यहाँ पे नहीं है इम्पोर्टेंट, तो एक बार वो भी हम चेक कर लेंगे आगे जाके। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे जाना है गेट प्राइवेट क्लासेस में अप्लाई करने के लिए। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको नॉर्मल साइन अप के लिए आता है, तो आपको कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। एक नॉर्मल अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेंगे, आप ध्यान से समझना। आपको ये फिल करने के बाद आपको सीधा साइन अप कर लेना है। जैसे आप साइन अप कर लेते हैं तो आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट है जो है आप वहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे सर्च किया, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं कर रही हूँ सिंगिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका आ जाता है सिंगिंग में भी क्या, मतलब उसके अंदर के भी आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। गिटार है, मतलब बहुत सारी चीजें आप बेटर मतलब समझ पाएंगे जब आप यहाँ से मतलब वो करेंगे, चूज करेंगे। आपने सेलेक्ट किया, एंड डू यू स्पीक अ रीजनल लैंग्वेज, आपको रीजनल लैंग्वेज आती है, यस और नो, अगर आती है तो ठीक है, अदरवाइज आप नेक्स्ट कर दीजिए। आपको कौन सी आती है, हिंदी आती है, बंगाली आती है, क्या आती है, आप सेलेक्ट करिए और आगे प्रोसीड करिए। इसके बाद आपको, अच्छा यहाँ पे है, व्हाट टाइप ऑफ क्लास डू यू वॉन्ट टू गिव, ऐसी क्लास देना चाहते हैं आप, एक बंदे को मतलब एक स्टूडेंट को आप एट अ टाइम पढ़ाना चाहते हैं, ग्रुप क्लास कराना चाहते हैं। अगर दोनों है तो आप दोनों पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, आप दोनों के लिए कंफर्टेबल है तो वो आप करके ना। नाउ नेक्स्ट, नाउ यहाँ पे है राइट अ यूनिक टाइटल फॉर योर एड। अच्छा, एड का मतलब क्या है? अच्छा, अब जब जैसे ही मैं अभी आपको पहले दिखा देती हूँ एड है क्या। तो गाइस, एड में क्या है, जैसे आपको यहाँ पे आपने कोई भी स्टूडेंट जब सेलेक्ट करता है, चूज करता है कोई भी सब्जेक्ट को, अभी जैसे मैंने म्यूजिक सेलेक्ट किया है, चूज किया, तो यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो आप मतलब यहाँ पे जो आपके एड रन हो रही है, एक मतलब कि ये पर्सन है, ये टीचर है, वो इतना पर आवर लेंगे, इतनी रेटिंग चल रही है इनकी, और ये इन्होंने अपने बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया है, वो दिया है, तो दैट इज द एड दे आर टॉकिंग अबाउट। वो आपको एक छोटा सा क्रिएट करना है, आपको एक छोटा सा अपने बारे में बताना है सब कुछ, ताकि स्टूडेंट आपको उस हिसाब से ही एक कैची हेडलाइन देनी है, एंड आपके बारे में थोड़ा सा लिखना है, तो वो आप थोड़ा सा यहाँ पे वो करिए। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि आई स्पीक, मतलब आई हैव डन म्यूजिक, मतलब मैंने किया है, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, नहीं भी है तो मेरे को पैशन है, तो ऐसे करके आप एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। सो इस तरीके से कोई हेडिंग आपने लिख दी है छोटा सा, एंड आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ करना है, आपको अपना एक थोड़ा सा बैकग्राउंड लेना है अपने बारे में, कि मैंने एक एक किया हुआ है या जो भी है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं भी है तो आप लिख दीजिए अच्छे से, एंड देन फिर आप प्रोसीड करते हैं। इसके बाद आपको आता है आपकी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आता है व्हाट इज योर मेथोडोलॉजी। तो आपकी मेथोडोलॉजी है क्या, मतलब आप किस वे में टीच करते हैं। सो एवरी टीचर या एवरी ट्रेनर बोल सकते हो, या जो भी आपको पढ़ा रहा है उसका क्या कुछ अप्रोच होता है ना पढ़ाने का, कुछ किसी का कुछ अप्रोच होता है, स्ट्रेटेजीज होती है, किसी की कुछ होती है, तो वो आपको एक मेंशन करना है कि भाई मैं अगर म्यूजिक पढ़ा रही हूँ या मैं म्यूजिक सिखा रही हूँ तो मेरा वे इस तरीके से होगा, या मैं फन लर्निंग करवाऊंगी, या इस तरीके से आप जो भी आता है आपको अच्छा सा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जब ये आप मेंशन कर देते हैं फिर आपको करना होता है एड अ सीवी विदाउट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं देने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ये सीवी, तो आपको करना है, ठीक है, कर दीजिए तो बेटर रहता है।
एड अ यूट्यूब वीडियो। अच्छा, अब क्या है, कुछ लोग हो सकता है कि यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं एंड वहां पे भी उनका वही उसी टाइप का बिजनेस है, या मतलब वो पढ़ा रहे हैं, तो उनको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये पर्सन इस तरीके से पढ़ा रहा है, ये इस तरीके से सिखा रहा है, तो उनको एक आइडिया, एक जस्ट मिल जाता है कि हाँ दिस अ मतलब टीचर जो कि स्टूडेंट इनको अप्रोच करेंगे, तो उनको थोड़ा सा वो होता था। अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है वैसे भी, एंड देन आपको यहाँ पे फिर आगे प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है, ये दिस विल बी ओनली विद सुपर प्रॉफ, ठीक है, स्टूडेंट को या किसी को विजिबल नहीं होगा वेबसाइट पे। बट अब अगर जैसे आपने याद है आपने स्टार्टिंग में करा था कि आप क्या कहते हैं यहाँ पे है कि आपको किस तरीके से वो करना है, कंडक्ट करनी है, घर पे करनी है ट्यूशंस, या आप ट्रैवल कर सकते हैं, ऑनलाइन देना चाहते हैं, आप तीनों कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी है आपके पास, यहाँ पे ऑप्शनल है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगर आप घर पे देना चाहते हैं अपने खुद के, तो उस केस में आपको स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली एड्रेस देना पड़ेगा, तो ये उसके लिए है। इसके बाद है आपने एक सिलेक्ट कर दिया कि हाँ घर पे भी पढ़ाना पढ़ा सकते हैं, मैं ट्रैवल भी कर सकता हूँ 10 किलोमीटर्स के अंदर अंदर, या आप सेलेक्ट कर लीजिए कि कितनी दूरी तक आप पढ़ाना चाहते हैं अपने एरिया से, ठीक है, विद इन 1 किलोमीटर है, क्या है सारा आप मेंशन कर दो। इसके बाद है आप कि जो अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आप वेबकैम या फिर स्काइप या फेस टाइम, किसी भी मोड ऑफ इसके जरिए आप कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है। नाउ आप वो कैसा लेंगे, इंग्लिश में लेंगे आप वो सेशन जो है आप क्लासेस, या आप किस में लेंगे, तो वो सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपने आवरली रेट्स लिखने हैं कि आप पर आवर कितना करना चाहते हैं, दिस इज टोटली गाइज अप टू यू। सो यहाँ पे बेस्ट है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे पेमेंट जो है शेड्यूल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ अभी इनिशियली 500 रुपीज चार्ज करना चाहिए, तो जस्ट जस्ट एन एग्जाम्पल, ये दिस इज टोटली अप टू यू, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है 2,000 लेने चाहिए, तो आप 2,000 मेंशन कर दीजिए अपने रेट के हिसाब से। बट मैं एक जस्ट अ टिप देना चाहूंगी यहाँ पे, दैट आप एक काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं ट्यूशंस, जैसे सब्जेक्ट के बारे में, तो आप अपने एरिया का देख लीजिए कि वहां पे कितने कॉस्ट अभी चल रही है, उसके हिसाब से आप करना चाहते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ट्रैवल कॉस्ट अलग से आप ऐड करना चाहेंगे, ठीक है, ये आप जस्ट वो कर लीजिए, ठीक, आपको जैसा भी लगता है, ठीक है। ज्यादा घंटे के लिए आप कम फीस अप्रोच कर लेंगे, अगर 5 घंटे की क्लास है तो आप इतना ले लेंगे, है ना, ठीक है, आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद है आपके, अगर आप एडिशनल ट्रैवल, ये मेंशन करके आप सीधा प्रोसीड कर दीजिए। अगर आपको कुछ कैंसिलेशन पॉलिसी डालनी है अपनी कि भाई पहले स्टूडेंट ने हाँ बोल दिया फिर ना बोल दिया, तो आप कुछ ऐसा फीस वो रखना चाहते हैं चार्ट, तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सो कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर मतलब डालना है, बट यस ये भी कभी भी शो नहीं करता वेबसाइट पे, जब आप मतलब सेलेक्ट जब स्टूडेंट आपको अप्रोच करता है देन आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तब जाके उनको फिर आपका नंबर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है अपनी फोटो अपलोड करनी है, एंड देन आपको फाइनलाइज करना है। इसके बाद आपका एड रन होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी प्रोफाइल एक बार वेरीफाई होती है, आपको कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे ये लोग ईमेल के थ्रू, ठीक है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क। यहाँ ये हो गया सारा अप्लाई करने का पूरा स्टेप, ज्यादा कुछ नहीं था। इसके अलावा आपको मैं बता देती हूँ कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में भी चल रही होंगी, तो वो एक बार मैं क्लैरिफाई करा देती हूँ। सबसे पहले तो जो क्लासेस आप लेंगे वो आप अपने हिसाब से एज एन आप कैसे भी ले सकते हैं, चाहे वो गूगल हैंगआउट्स पे हो, गूगल मीट्स होता है, स्काइप हो गया, फेस टाइम, व्हाट्सएप, जैसे भी आपको लेना है स्टूडेंट्स और आपके बीच में, आप कैसे भी ले सकते हैं, उसमें कोई इनका रोल नहीं है, ठीक है। ये जो एड्स होती हैं आपको ये पूरी फ्री है, कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचिंग एड जो आपने अभी रन करेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये हैं, यहाँ पे कोई ऐसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ऐसा नहीं है, बट यस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बेस्ट है, वो ज्यादा काम करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी किया, आप ये एक बार पढ़ सकते हैं, गो थ्रू कर लेना। लास्ट इज हाउ डू आई गेट पेड, वेरी इंपॉर्टेंट, सबका यही क्वेश्चन होता है कि आपको पेमेंट कैसे मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है कि सो दिस प्लेटफॉर्म बेसिकली है कि आप टीचिंग के लिए आपको
आपको स्टूडेंट्स मिल सकते हैं पढ़ाने के लिए, तो आपको पेमेंट कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, वो सारा का सारा आपके और स्टूडेंट्स के बीच में। आप एडवांस लेना चाहते हैं, आपको कितनी पेमेंट लेनी है, आपको कैश में लेनी है, ट्रांसफर लेनी है, कैसे लेनी है, वो आपके और स्टूडेंट्स के बीच में है। यहाँ पे सुपर प्रॉफ का कोई रोल नहीं होगा, तो ये एक बार आप पढ़ लेना इनके टर्म्स एंड कंडीशंस। आपको वहाँ पे पेपल के थ्रू लेना है, ट्रांसफर के थ्रू लेना है, कैसे लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज आप एक बार पढ़ लेना, मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, ठीक है? सो दिस इज द इम्पोर्टेंट जस्ट। बाकी मैं FAQ का लिंक भी मेंशन कर दूंगी, ठीक है? आप वो चेक कर लेना, ठीक है? आई होप सारी चीजें क्लियर कवर कर दी है मैंने। अगर कुछ भी रहता है तो आप एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है? कमेंट में डाल देना। तो फाइनली गाइस, आप लोगों ने देखा यहाँ पे आप लोगों को किस तरीके से अप्लाई, रजिस्टर एंड ऑल सब कुछ करना है। एंड इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ पे आपको किसी भी सब्जेक्ट्स की एक्सपर्टीज है, नॉलेज है अच्छी खासी, तो आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गाइस, किसी भी तरीके की आपको फीस या फिर जब भी आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, उससे थोड़ा सा बच के चलिएगा, मैं हमेशा आपको ये चीज बताती हूँ। एंड ऑल्सो गाइज, थोड़ा सा मुश्किल होगा इनिशियली आपको स्टूडेंट्स मिलने में, क्योंकि आपको उसके लिए अपना प्रोफाइल एंड पोर्टफोलियो अच्छे से रेडी करना पड़ेगा, सो दैट स्टूडेंट्स अप्रोच यू कि आपने क्या क्या कर रखा है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आपको थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके अच्छे से एक्सप्रेसिव वे में लिखना पड़ेगा, सो दैट यू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स। एक बार स्टूडेंट्स आने शुरू हो जाते हैं तो और आने लग जाते हैं आपकी रेटिंग्स एंड रिव्यूज को पढ़ के। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आप ट्राई करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये टाइप की जो जॉब है, ये हर कोई अभी सोच रहा है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करके आई कैन टीच पीपल एंड ऑन ऑनलाइन। नहीं पता होता है काफी सारे लोगों को, बट यस यू डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। इसके अलावा गाइस, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, रेड कलर का बटन है यहाँ पे, वो प्रेस कर देना, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेटिव, एंड मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय, हैव अ ग्रेट डे, बी सेफ, बाय।